मॉर्निंग साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पीडीआर स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं क्लास एट की मैथ यानी कि कक्षा आठ की गणित का 32 पार्ट्स यानी कि 32 नंबर क्लास। इसमें हम लोग देखेंगे गुणनखंड करना यानी कि फैक्टर निकालना, आपको आइडेंटिटी दी होगी, सर्वसमिकाएँ दी होगी, कुछ इक्वेशन, सर्वसमीकरण, वो सब देखेंगे। उसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पीडीआर स्टडी को तुरंत कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट क्लास सबसे पहले उपलब्ध हो। चलिए, इसके गुणनखंड करने के दो तरीके हैं। पहला एक तरीका है कि आप समूह बना करके गुणनखंड करें यानी कि बीच वाले पद को तोड़ करके करें, और दूसरा तरीका है आप सूत्र का प्रयोग करके गुणनखंड करें। तो दोनों तरीके हम आपको दिखाएंगे, पहले मध्य पद को तोड़कर। इसमें साथियों आप लोग जानते होंगे एक बात, वो क्या है, जैसे 3x का पावर 5 है, अगर मैं पूछूं इसमें x की घात 5 का गुणांक क्या है तो आप जानते हो क्या है, 3 है ना, x की घात 5 का गुणांक 3। तो ये गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं, याद रखना ठीक। अब इसमें अगर बात करें a का गुणांक क्या है तो वो है 2, 2 है ना। तो जो बीच वाला पद है यानी कि 2 और जो किनारे वाला लास्ट वाला अच्छा पद है 1, ये दो जो है वो जोड़ने पर आए, और जो किनारे वाला है ये एक जो है वो क्या करने पर आए, गुणा करने पर आए। जल्दी से दो कोई ऐसा अंक बताओ जिसको जोड़ दें तो 2 हो जाए और गुणा करें तो 1 हो जाए। आप सोचिए देखिए, 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, और 1 का 1 में मल्टीपल करोगे तो 1 हो जाएगा, वो एक और एक है। तो बस सिंपल सी बात है, आप इसे कर सकते हो 1 और 1। कहाँ पर 1 और 1, आप 2 की जगह पर कर सकते हो। तो बस देखते रहना, बिल्कुल ये सब कुछ ऐसे लिख लोगे, 2 की जगह पर 1+1 हो जाएगा, और बाहर से भी ये वैसे हो जाएगा, +1 वैसे हो जाएगा, मतलब जैसे वैसे निकलेंगे। ए का स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा करोगे, एक बात देखिए, जैसे अगर इसमें गुणा होता है तो 1 ही होता है, 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं, कि सिर्फ इसको a लिख सकते हो बस। इसका गुणा करोगे तो हम लिख लेते हैं 1a+, ये 1a हो जाएगा +1, इसमें कोई गलत नहीं है, 1 आप लिख लो तो कोई गलत नहीं काटेगा, लेकिन 1 लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, आप देखोगे इसमें कॉमन के तौर पर ए हो जाएगा, ए प्लस 1 बचेगा, इसमें 1 कॉमन लोगे तो ए प्लस 1 बचेगा। कॉमन का मतलब होता है भाग करना। तो इस तरह से जो दो बार कॉमन है एक बार हो गया, और जो कॉमन वाला पद है वो एक बार हो गया। गुणनखंड करना था ना, ए प्लस 1 और ए प्लस 1 क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 1 का गुणनखंड हो गया, नोट कर लिए। चलिए अब आगे देखो, इसका सेकंड मेथड क्या है साथियों, सेकंड मेथड में आपको बता दे रहा हूँ बगल में। जैसे a का स्क्वायर लिखा है प्लस 2a प्लस 1 है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ये साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, बोलो होता है ना। तो इसी फार्मूला से हम इसको करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखना। चलिए देखिए आगे क्या होता है, इसमें क्या करते हैं मित्रों, इसी फार्मूले पर आधारित हम कुछ कार्य करते हैं, कि इसको a मान लें तो ये तो a का स्क्वायर ऑलरेडी है, और आप सूत्र में देखो लास्ट में b का स्क्वायर है, तो ये लास्ट वाले पद को हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे, बीच में प्लस का लगा दिया। अब देखो अब इसको कुछ मिला कुल मिला के इसके रूप का लाएंगे, कोशिश करेंगे, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो मतलब ये गुणनखंड इसका नहीं होगा, सीधे से नहीं होगा। हमें a का स्क्वायर मिल गया लास्ट का, b का स्क्वायर मिल गया, बीच में क्या होता है 2ab, लिख लो 2a, a की जगह पर a है और b, b की जगह पर 1। देखिए ये हो गया a स्क्वायर, एक मिनट देखना क्या इसको हल करने पर ऊपर वाला आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस 2a और प्लस 1 आ रहा है, इसका मतलब a और b, इसमें देखो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया था ना, तो ऐसे आप ए और वन इसको कर सकते हो, ए प्लस वन का होल स्क्वायर। और ये दो बार है क्योंकि इसलिए इसको आप इतना लिख सकते हो, ये भी आंसर हो गया। लेकिन ये थोड़ा टेक्निकली है ना, ये ज़्यादा आसान लग रहा था। सेकेंड मेथड, कमेंट करके बताना ये फर्स्ट मेथड अच्छा है कि वो सेकेंड मेथड ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करोगे तो दोनों अच्छा है, समझ में आएगा दोनों, नहीं करोगे तो मुश्किल होगा। जल्दी करें इस क्लास को, तुरंत लाइक करें फट से, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी करें फास्ट। चलिए देखते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, देर मत करिए। दूसरा सवाल देखिए हमारे सामने आ चुका है, वो क्या है, गुणनखंड वाला। तो आपने इसको देख लिया, फाइव का सी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास एट में, फाइव का सी। अगला है 36x, इसमें नहीं है, उल्टा टाइप का है, मतलब अगर ऐसे दिया हो तो क्या करूँगी, 36 + 12x + x² कभी कभी ऐसे आता है तो कंफ्यूज होते हो। इसे आप चाहो तो सीधा कर सकते हो, x² + 12x + 36 लिख लो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, इसको आप लिख सकते हो उल्टा सीधा कर सकते हो। पूरा करने पर 36 आए, जोड़े पर क्या आए, 12 आए, कर लोगे ना, 6 में 6 जोड़ 12 हो गए, 6 6 36 हो गया, कॉमन ले लोगे हो जाएगा। लेकिन एक सवाल क्या है साथियों, वो अजीब सा है, उसको मैं बता देता हूँ, इसको होमवर्क करना घर से। वो है इसमें का तीसरा नंबर है x² + x + 1/4। देखो ये बहुत आसान है, लेकिन 1/4 की वजह से लफड़ा है इसमें। तो पहला मेथड पे चलते हैं, इसका गुणांक देखो 1 है ना, 1 है, मैंने आपको बताया था कि बीच वाला पद जोड़ने पर आएगा, बताया था ना, जोड़ने पर, लास्ट वाला पद जो है वो क्या आएगा, गुणा करने पर आएगा। आप हमें एक बात बताओ, कोई दो गिनती बताओ जिसको जोड़ दे तो 1 हो जाए और गुणा करें तो 1/4 हो जाए। आप जानते हो अगर हमने एक मार्कर लिया, इसको आधे पर से तोड़ दिया तो ये दो मार्कर हो गए, आधा आधा, और जोड़ दे तो क्या हो गया, एक हो गया। इस तरह से आप कह सकते हो कि आधा आधा जोड़ने पर एक होता है ना, आधा का मतलब 1/2। तो आप देखो अगर 1/2 में 1 को जोड़ोगे, 1/2 में 1/2 तो 1 होता है, कैसे, अरे भाई जी ये 1 1 ऊपर का जुड़ जाएगा, हर बराबर है, 2 हो गया, 2/2 कट गया, 1/1 बराबर हो, है ना, 1/2 में 1/1 ऐड करोगे तो 1 आता है ना, बात समझ में आई। लेकिन अगर इसको गुणा करोगे तो क्या होगा, 1/4 होगा, ये बात आपको कन्फर्म हो गई, यानी कि आप इसको 1/2 1/2 में तोड़ सकते। तो बस हो गया, क्लियर है, x² + ये जो 1 था गुणांक, उसकी जगह पे 1/2 + 1/2 कोष्ठक बंद, ये x बाहर से रहेगा और ये प्लस वैसे रहेगा 1/4। चलिए आगे बढ़ते, अब वही करेंगे, गुणा हुआ कर लो जैसे करा था अभी तक, x² + 1/2 का x में करोगे तो 1/2x, बीच में प्लस है, फिर दूसरे 1/2 से x में करोगे तो 1/2, कॉमन ले लीजिए, कॉमन जानते हो ना, दो दो में होता है, इसमें दो दो में कॉमन होता है ना, एक मिनट रुकना, काहे को गिर जा रहा, देखिए इन दोनों में कॉमन लोगे आप तो देखो इसमें x है दोनों में ना, तो साथियों ये x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x धन 1/2, इसमें अगर आप ध्यान दो दोनों में तो x नहीं है, धन 1/2 कॉमन होगा, x प्लस 1/2 बचेगा। अगर ये कैसे कॉमन हुआ, कैसे बचा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, वो आपको हम आपको बताएंगे अगली क्लास में, या फिर आप जीरो लेवल की मैथ को शुरू से देखो, क्योंकि आप क्लास 8 तक पहुंच चुके हैं, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा अगर बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, नोट कर लीजिए, गुणनखंड हो गए इसके, ठीक ना।
सेकेंड मेथड में भी आप कर सकते हो, जैसे अभी मैंने बताया था उस तरह से सेकेंड वाला मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सेकेंड मेथड में हम एक और बता देते हैं आपको इसी तरह का। लिखिए पी का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर ये इसी में का है, सेकेंड पार्ट अगले में का, चौथा नंबर पर होगा जो भी है एट का सी का है, सॉरी फाइव का सी, कक्षा आठ का गणित है ये, फाइव का सी। पी का स्क्वायर प्लस फाइव पी प्लस पच्चीस बटा चार, इसके गुणनखंड करने। देखिए इसको हम सेकेंड मेथड से करा देंगे आपको द्वितीय मेथड से। मित्रों देखिए पी का स्क्वायर है, इसको तो आप कर सकते हो, प्लस लास्ट वाले का आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको किसी तरह से तोड़ना पड़ेगा। 25 को हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और ये फार्मूला आप नकार नहीं सकते हो, पढ़े हो मतलब फाइनल में कहने का ये है कि अगर a का स्क्वायर मिल गया, b का स्क्वायर मिल गया, और बीच वाला पद 2ab हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर सर्वसम्मिता बन रही है, बन रही है। अब देखना आगे अब क्या होगा, अब 2 इंटू a, a की जगह पर हमारा b है, और b b की जगह पर 5 बाई 2 है। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, क्या इसको हल करने पर ये ऊपर वाला आता है, देखो पी का स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, नीचे ऊपर है 5 पी बचेगा, इतना रहेगा 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है ना, इसका मतलब ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर बन रहा है ना। तो ये ए और ये बी की जगह पर है 5/2 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब इस तरह से आ गया इस फॉर्म में तो बराबर आप इसको कर सकते हो, और ये दो बार शामिल है इसलिए इसे हम कर सकते हैं पी प्लस 5/2 और ये पी प्लस 5/2, ये हो गया आपका राइट आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए, बात पूरी हो चुकी है, ठीक ना। अगर कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हो निसंकोच, ये भी गुणनखंड हो चुका है। इसके बाद साथियों आगे चलते हैं, 5 का सी इंड हो चुका है, अब हम चलते हैं 5 का डी, 5 का सी इंड हो चुका है, 5 का डी नेक्स्ट क्या बोलते हैं न्यू एक्सरसाइज है, नया चैप्टर। उसके पहले अगर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो, अगर आप पीवीआर स्टडी के फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो कर लें, तुरंत कर लें, जिससे कि आपको क्लास की अपडेट मिल सके। 5 का डी में पहला सवाल है, निम्नांकित व्यंजकों में, निम्नांकित व्यंजकों में, उसके बाद लिखना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार के व्यंजक छांटिए। देखिए जैसे 5 का सी में आपने छांटा था उसमें प्लस था, इसमें माइनस है, कोई अंतर नहीं है। तो आप व्यंजक को लेंगे लिखेंगे, अगर वो इसके टाइप का होगा तो लिख देंगे, है नहीं होगा तो नहीं है। तो पहला व्यंजक है 81a का स्क्वायर माइनस 72 यानी कि 72ab और प्लस 16b का स्क्वायर, ध्यान देना पहले तो माइनस लगा है, यहाँ भी है, ये प्लस है, प्लस है, सब ठीक लग रहा है, लेकिन अभी आगे देखो 81a स्क्वायर को साथियों हम लिख सकते हैं 9a का होल स्क्वायर और माइनस, इसको छोड़ दो लास्ट वाला देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर, यानी a वाला बन गया, b वाला बन गया। अब देखो 2ab वाला बन रहा है कि नहीं, बीच में, बीच में 2 और a, a की जगह पर हमारा है 9a और b की जगह पर है 4b, b की जगह पर क्या है 4b, देखो थोड़ा छोटा लिखा हूँ, 2 9 18 18 4 4 72 बराबर है, इसका बराबर है ना,
यानी कि फाइनल में आप इसको क्या लिख सकते हो, फाइनल में आप इसको 9a और प्लस इलाज का 4b का होल स्क्वायर हम लिख सकते हो। सॉरी प्लस नहीं रहेगा, देखना अगर पूरे ab माइनस में है तो ये माइनस का सूत्र बनेगा। ठीक, देखिए अतः यहाँ क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी धन बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है, जिसमें लगाने के बाद हल करने के बाद इस रूप का आंसर आ जाता है लास्ट में, वो इस प्रकार का व्यंजक है, अगर नहीं आता तो नहीं। चूंकि आप जानते हो ये फार्मूला होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी और धन बी का स्क्वायर, ये होता है ना, जानते हो। और इसी में अगर हम प्लस वाला बात करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए का स्क्वायर धन टू ए बी और धन ये होता है बी का स्क्वायर। ध्यान देना माइनस प्लस में सिर्फ थोड़ा अंतर होता है, बस टू वाला माइनस होता है, इसमें सब प्लस होता है बस, ठीक ना। तो सवाल क्या था, इसके प्रकार का व्यंजक छांटिए। पहला व्यंजक का ये दिया था, हमने इसको चेक किया, इसके रूप का आ गया, इसका मतलब इस प्रकार का व्यंजक है, मतलब ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप का व्यंजक है। ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा, यहाँ पर जीरो लेवल में जोड़ घटाना नहीं चल रहा है, अब थोड़ा आगे बढ़ चुके हम लोग। अगर आप जीरो लेवल गणित को शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो क्लास को ज्वाइन कर लें, एकदम स्टार्टिंग से सब कुछ सिखाया जाएगा एकदम जीरो से, इसके लिए आपको ज्वाइन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला सवाल पे चलें। हाँ अगला सवाल देखना, एक बात हम आपको और बता दें, जो भी व्यंजक दिया गया है उसका गुणनखंड करके भी तरह ये टेस्ट कर सकते हो कि उस फॉर्म का व्यंजक है या नहीं, ठीक ना, अलग तरीके से बीच वाला पद तोड़ करके भी कर सकते हो। उसके बाद अगला चलें तो देखिए ये भी है या नहीं है, 4x स्क्वायर प्लस 12xy दूसरा का पहला, 4x स्क्वायर प्लस 12xy और प्लस भी का है 9y का स्क्वायर, इसको क्या करना है, हल करना है, गुणनखंड करना है, कर लोगे ना, अब इसको छांट लेना, गुणनखंड करना है, बीच वाला पद तोड़ करके करेंगे या फिर हम किनारे किनारे का भी तोड़ करके कर सकते हैं। चलिए बताइए कौन कौन कर लेगा इसे, आगे चले। 5 का यफ तक है इसमें, कहाँ तक है यफ तक, इसका गुणनखंड करना है। साथियों पहले अंतिम पद और लास्ट वाले पद का ये तोड़ लो, बोलो हो सकता है, हो सकता है, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर बन रहा है तो बीच वाला बनेगा कि नहीं, टू ए, ए मतलब 2x और बी मतलब 3y और बीच में ये प्लस था ना, ये प्लस, इसको लगा देंगे, इसको थोड़ा और दूर लिखते हैं, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, इसको हल करने पे क्या ऊपर वाली लाइन आएगी, देखो 2 × 4x² 2 × 4 = 12xy और 3 × 9 सही है, सही है ना, यानी बन गया सिस्टम कौन सा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला बन गया, तो a और प्लस बी का होल स्क्वायर ये बनेगा, बनेगा, यानी a की जगह पर है 2x और b की जगह पर है 3y, ये बन गया इसका होल स्क्वायर, दो बार शामिल है ये 2x 3y और ये 2x प्लस 3y इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गुणनखंड करना था, क्या करना था, गुणनखंड। दूसरा तरीका देख लेना, दूसरा तरीका भी हो जाएगा साथियों, ये सेकंड मेथड आप देखना, सेकंड मेथड में क्या होगा, देखो यहाँ पर जो x स्क्वायर है उसका गुणांक 4 है, एक नहीं है,
तो अगर यहाँ पर ये ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस दस, इसमें और इसमें बहुत अंतर है। इसमें डायरेक्ट बोलते हैं गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने पर 7 आए, ऐसा कोई एक काम करना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहेंगे गुणा करने पर 9 आए, जोड़ने पर 12 आए, ना। 4 का गुणा इसमें कर लोगे तब कहोगे x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, ठीक ना। तो ये 4 9 हो जाएगा 36, यानी गुणा करने पर 36 आए और जोड़ने पर 12 आए। ये जोड़ने पर आए, ये गुणा करने पर आए, ऐसा करना है। यहाँ पर जो भी अंक दिया है अगर एक के अलावा कुछ और है, मतलब ऐसे नहीं है, ऐसे है, या फिर ये मान लो ऐसे है, इस रूप का है, तो हम इसका गुणा करेंगे लास्ट वाले में, तब डिसाइड करेंगे। समझ गए ना? अगर आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे, बाकी और नहीं समझदार है तो समझाना। तो साथियों वो नंबर हो जाएगा 6 और 6, ये एक्स वाई वैसे लिख दोगे प्लस 9y का स्क्वायर। देखिए अगर 6 में 6 को ऐड करोगे 12 आएगा, 6 का 6 में मल्टीपल करोगे। बात समझ में आई ना? अभी तक हो सकता है आवाज़ कुछ कम आ रही होगी, है ना? तो देखना क्या होता है। अब इसको ये 4x स्क्वायर धन इसका गुणा करोगे तो ये 6xy हो जाएगा, धन इसका इसमें गुणा करोगे तो 6xy और धन ये 9y स्क्वायर। इतना बात समझ में आ रही है? इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 4xy, सॉरी इन दोनों में कॉमन होगा 2, क्योंकि 2 × 4 2 × 3 = 6 होता है। इसमें एक्स वाई है, इसमें केवल एक्स है, तो जो दोनों में है वो एक्स है, तो एक्स भी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा फाइनल में 2x और प्लस 2 × 3 = 6 होता है ना, और एक्स निकल गया तो वाई। इसमें धन 3y कॉमन लोगे तो 2x धन 3y। इस तरह से जो दो बार है उसको लिखोगे एक बार, और फिर 2x धन 3y एक जगह फिर से लिख लोगे। इस तरह से ये इसके गुणनखंड हो गए दूसरी विधि में। साथियों अभी तक ईयरफोन नहीं लगा था, ये माइक्रोफोन हो सकता है आवाज़ थोड़ी कम हो, दिमाग थोड़ा सा कम हो जाता है कभी कभी, इस वजह से भूल गया था। तो हमारे जो साथी गण हैं वो भी बहुत आज मौज मस्त में थे, क्योंकि संडे था इस वजह से। तो चलते हैं फिलहाल इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से अगली क्लास में मिलेंगे अच्छी क्वालिटी के साथ, देख लीजिएगा, अपडेट कर देते हैं। शुक्रिया, जय हिंद। तो बताइएगा कैसे है आवाज़ वगैरह, कमेंट करके बताइएगा।